स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। Good morning, sunshine. क्या खाएगा? थोड़ा सा जहर गाजर के हलवे के साथ। नहीं, don't be in अनेका, okay? मैं एक शेर सुनाता हूँ। यादों के खोए खजाने ढूंढता हूँ मैं, तेरा नाम लेने के 100 बहाने ढूंढता हूँ मैं। What a walk! मैं अनेका का नाम क्यों लूंगा? मैं तो शेर बोल रहा था, मैंने कब कहा तू ढूंढ रहा है? या, या। ए, रुद्र, इसे ज़ॉम्बी की तरह क्यों घूम रहा है सुबह? रात भर में नींद के साथ आंख में चोली खेलता रहा। क्या खेलता रहा? आंख में चोली। क्यों? इस लंबे बाल वाले आदमी की वजह से। मैंने क्या किया? अरे आप ही नहीं बोला था ना, किसी का दिल दुखाएगा तो नींद नहीं आई। नहीं आई। और स्ट्रेस के मारे देखो पिंपल भी हो गया। ओह माय गॉड। एक मिनट, कोई मेरे पिंपल पे हंसेगा नहीं, कोई शेर नहीं सुनाएगा और कोई मुझे पिंपल का बाड़िया नहीं बोलेगा। ओके। वैसे एक एडवाइस दूं? मैं अंडे खा लूंगा, एडवाइस की जरूरत नहीं। लाइफ की एडवाइस दूं? बोलो। सुन, जब तक तू सौम्या को सॉरी नहीं बोलेगा ना, ये पिंपल नहीं जाने वाला है। वो आप कुछ भी बोलो, बट ये मत बोलो बोलने को। मेरी बात मान, सॉरी बोल दे एंड वॉच इट गो। सही है आपका, आपका रॉब ना मुझ पे चलता है। भैया को बोलना अनिका दी को जाके थैंक्स बोले। मैं क्यों थैंक्स बोलूं? मैं तो पूरी रात बड़े आराम से सोया और चेहरे भी पिंपल्स नहीं है। क्या कर रहा है शिवाय? हाँ, ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा? हमारी जिम्मेदारी है उसको सही और गलत के बीच का फर्क सिखाने की। हाँ यार, ऑमलेट टूट गया ना। तुझे नहीं लगता कि इसको सौम्या को सॉरी बोलना चाहिए? या या। तो जाओ, पहले आप जाकर अनिका दी को थैंक्स बोलो। नहीं, तू मुझसे छोटा है, ओके? पहले तू करेगा, उसके बाद आई थिंक अबाउट इट। गुड, proud of you pimple kapai. Yeah. I mean Rudra Singh Oberoi. देखो, मैं उसे सॉरी बोल रहा हूँ अपने मिलियन डॉलर वाले चेहरे की वजह से। मैं नहीं चाहता पिंपल और बड़ा हो। इस ऑमलेट की तरह। गुड, आउट। से थैंक यू टू अनिका। सौम्या, कंग्रेचुलेशंस, वो आ गई। कौन, कहाँ पे है, क्या पहने? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हें मेरा नाम जो याद आ गया। I'm sorry यार, जो वो उसे भूल जाओ ना, हमें सब कुछ भूल के नहीं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, so please go. Excuse me, घर मेरा, ये रूम भी मेरा, और तुम मुझे बाय बाय कर। Excuse me. ये घर ना कल्याणी दादी का है और उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक मैं इस घर में हूँ ना, ये रूम मेरा है, सो प्लीज गो, मुझे इस रूम की ना थोड़ी सफाई करनी है। सफाई? कोई सफाई नहीं कर सकता मेरे रूम की। मैंने अभी तुमसे कहा ना कि ये मेरा रूम है और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। और हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुपरस्टार। सुपरस्टार, सुपर हीरो, माई फुट। तुम्हें क्या लगता है लड़के तुमसे बात नहीं करेंगी तो मर जाएंगी? तुम भगवान का भेजा हुआ सिक्स पैक्स का कोई आशीर्वाद हो उनके लिए। सिक्स पैक्स नोटिस कर लिए तुमने मेरे? हाँ, शट अप, हो क्या तुम? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या हो। तुम एक बहुत ही शालो लड़के हो जो लोगों को ना उनके लुक्स पे जज करता है। तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो। तुमने उस दिन मुझे कॉलेज में इसलिए नहीं पहचाना ना, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है। बट लेट मी टेल यू, मुझे लगता है कि मेरी हाइट ना मेरे वेट के हिसाब से कम। आई लाइक द वे आई एम एंड आई डोंट केयर कि मैं साइज जीरो नहीं हूँ। मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हारे तरह डफर नहीं हूँ और ब्यूटीफुल भी हूँ। तुमने मेरी
एथिकवे वाली जीपी देखी है? उस पे मुझे 107 लाइक्स मिले। हाँ बस मेरे लिए बहुत है। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, फ्रेंडली हूँ, और हॉस्पिटल में कोई रोतलू मिल जाए ना उससे दोस्ती भी कर लेती हूँ, और बिना सेकंड थॉट दिए उसे मेरे भैया का धागा भी दे देती हूँ। फिर बाद में वो रोतलू मुझे पहचानने से इनकार कर ले या मेरे भैया के धागे को डिसरिस्पेक्ट करे, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। टर्न अराउंड। तुम्हें क्या लगता है रुद्र सिंह ओबेरॉय लड़किया तुम में इंटरेस्टेड है? नो वे। लड़किया तुम में नहीं, तुम्हारी लंबी गाड़ियों में, तुम्हारी स्पोर्ट्स बाइक, फैंसी डिनर्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स में इंटरेस्टेड है, एंड इवेंचुअली वो सब तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। You know why? क्योंकि तुम एक सोलेस इंसान हो, एक 70 किलो के वे प्रोटीन के डब्बे हो, that's it. तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचती नहीं। In fact, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुमसे बात भी नहीं करनी। Just get lost. ए ए मोटी लड़कियां कितनी स्टूपिड होती हो, सिंपल सा लॉजिक नहीं समझती। मैंने पूरा ट्राई किया सॉरी बोलने का। ओ मैंने पूरी कोशिश की, अब मुझसे और नहीं हो सकता। बेचारा रुद्र। बेचारा? हाँ कोशिश की इसने। ये तुझे कोशिश लगी? सॉरी क्या फुटबॉल है कि लत मारा हो किसी और के गोल के अंदर? सामने वाले को मनाना पड़ता है। ओके, मैं रुद्र को समझाऊंगा। फाइन, बेटर, कूल। तू रुद्र को समझा के वो जाके सौम्या को सॉरी बोले, और फिर तू जाके अनिका को थैंक यू। ये कोई प्रोजेक्ट है? से सॉरी, से थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। व्हाट? शिवाय, प्रोजेक्ट नहीं, बेसिक तमीज बोलते हैं इसे। ओके, मैं रुद्र से बात करूंगा। ओके, गुड। बड़े भैया। मैं ना उसको प्रोटीन पाउडर पानी में बहा दूंगी, उसके डंबल्स में जंग लगा दूंगी, और अकाउंट हैक करके स्टेटस अपडेट कर दूंगी कि दुनिया की सारी लड़कियां ना मेरी बहनें हैं। हाँ शांत, गद्दारी भीम, शांत। क्या शांति दीदी, और अब ये मत कहना कि मैं उसे माफ कर दूं। तू पागल है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, आप ही सोचो, जब मैं उसके घर पे गेस्ट हूँ तब मुझसे ऐसे बात कर रहा है, तो कॉलेज में मुझसे कैसे बात की होगी। एक बात बताओ, इसमें ना रुद्र की गलती नहीं है। तो फिर किसकी है? देख, मेरा ना 6 साल का भाई सलमान खान का इतना बड़ा फैन है, अगर उसकी पिक्चर देख ली उसने शर्ट पहनना छोड़ देता है। मतलब अब आई सुल्तान निक्कर पहनने छोड़ दी, 2 दिन से कच्चे में घूमा, हो गया बुखार, अब जाऊंगी घर एक फटका लगाऊंगी उसे। दीदी लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है, उसने तो देखा देखी में निक्कर उतार दी ना। बस देखा देखी में ना रुद्र ने भी उतार दी अपनी निक्कर। क्या? मेरा मतलब है देखा देखी में बिगड़ गया। सुन, बच्चे मासूम होते, गलती होती है रोल मॉडल की, यहाँ पे रुद्र की गलती नहीं है, वो कंजी आंखों वाले बागड़ बिल्ले ओबेरॉय की गलती है, वो एक घटिया हरकतें सिखाते हैं उसको। दीदी ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं रुद्र के साथ डील कैसे करूँ? ऐसी डील कर जैसे मैं बागड़ बिल्ले से डील करती हूँ। कैसे? बस जैसे ही गर्म होना पानी लेती हूँ, ये उठाती हूँ, दे मारा। तू क्यों डर रही है? तुझे नहीं मारूंगी। आपने बड़े भैया के साथ सचमुच ऐसा किया? ऐसा किया? मैंने तो पता नहीं कैसा कैसा किया है। एक 305। मेरे पास एक सलूशन है। वाओ दीदी, आपने सच में ऐसा किया? सच में? मैंने मुझ में ऐसा किया? गुड मॉर्निंग अनिका दी।
गुड मॉर्निंग रुद्र। मुझे बहुत सारा काम है, बाद में मिलती हूँ। स्टॉप। मेरे पास एक सलूशन है। मुझे लग रहा है हमें सब कुछ भुला के ना एक नई दोस्ती की शुरुआत करनी चाहिए। अगर अब से मैं तुम्हें हर्ट करूं ना तो तुम अपने लिए एक नई ड्रेस ले लो। अगर और हर्ट करो तो शूज भी ले लो। अगर उससे भी ज्यादा हर्ट करूं ना तो ज्वेलरी भी ले लो। नो लिमिट शॉपिंग। आज से कार्ड तुम्हारा। सब कुछ सॉर्टेड प्लीज। और ये लो तुम्हारे पीस के पीसेस। एंड वन मोर थिंग, तुम अपने लिए एक नई ड्रेस ले लो, शूज भी ले लो, ज्वेलरी भी ले लो। नो लिमिट शॉपिंग। Complimentary. इसने मेरे ऊपर पानी क्यों मारा? तो सुबह ही ना आया था यार। यूजुअली लोग शावर लेने से पहले कपड़े उतार लेते हैं। भैया मैं भी वैसा ही करता हूं। मम्मी ने मेरे पे पानी फेंका। गलती उसकी नहीं, उसकी रोल मॉडल की है। मैं जानता हूं ऐसे ओबरॉय ब्रदर्स के अगेंस्ट पानी फेंकना उसे कौन सिखा सकता है। अनिका, फिर से नाम लिया। भैया शॉवर के साथ साथ रिटर्न गिफ्ट भी मिला है मुझे। एक मिनट, क्रेडिट कार्ड के टुकड़े, बहुत बेइज्जती हुई भैया। शिवाय तूने उसे समझाया होगा ना कि ऐसी माफी मांगी जाती है? हाँ, I mean, I thought it would work. मुझे लगा ये सॉरी बोलने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है कि एक लड़की को शॉपिंग करवाना। It works for girls, यार। माफी मांगी जाती है, खरीदी नहीं। ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजों से माफी नहीं मांगते हैं। And रुद्र, तुझे उसके साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अपनी ईगो को इसी रूम में छोड़ और अपने दिल की बात बोल। ओपननेस ट्रांसपेरेंसी ही काम करती है। मेरी बात मान, अगर तू उससे सच कहेगा वो तेरी बात मानी। सही कह रहे हो आप, मुझे आपसे ही एडवाइस लेने आना चाहिए था। गुड, अब जाओ उससे माफी मांग। ओके। रियली ओम? रियली शिवाय? तुम फिर से? देखो एक बार मेरी बात सुनो, फिर मैं खुद यहां से चला जाऊंगा, तुम्हें भाई भी नहीं बोलना पड़ेगा। मैं गलत था, सॉरी बोलने की जगह क्रेडिट कार्ड लेके आ गया। पर अब मैं समझ चुका हूं कि सॉरी खरीदी नहीं जाती, मांगी जाती। एंड ऑनेस्टली मैं यहां वही करने आया हूं। इट्स ट्रू कि मैंने तुमसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि तुम मोटी हो, बट यार मेरी भी एक इमेज है, रुद्र सिंह ओबरॉय द लेडी किलर।
लड़कियां मुझे डेट करने के लिए तैयार रहती। एक्चुअली मैं थोड़ा रॉकस्टार टाइप का। उस दिन कॉलेज में तुमसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि अगर मैं तुमसे बात करूं तो मेरी इमेज का मर्डर हो जाता। सारा कॉलेज क्या बोलता कि रुद्र सिंह ओबेरॉय एक छोटी और एक मोटी लड़की से बात कर रहा है। आई एम सॉरी यार, बट मैं ऐसा ही, मैं मोटी लड़कियों के साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं करता। तुम्हारे मोटे होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, मोटा होना खुद में एक प्रॉब्लम है यार। कितनी सारी बीमारी हो जाती है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। तुम्हें मोटे से पतले होने में सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। सही पहचाना तुमने, रुद्र सिंह ओबेरॉय। और जब तुम मोटे से पतली हो जाओगी ना, तब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। और जो तुम्हारी एथनिक वेयर वाली डीपी थी ना, जिसपे 107 लाइक आए थे, उस पर पूरे के पूरे 307 लाइक आएंगे मोटी। एंड ऑनेस्टली, तुम्हें मेरी ऑनेस्टी की तारीफ करनी चाहिए, वरना कौन हैंडसम लड़का एक मोटी लड़की के फेस पे उसको मोटी मोटी एंड मोटी कहेगा। हाँ, मोटी 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 मोटी। एक सेकंड, Did you realize? तुमने इस 5 मिनट में मुझे 115 बार मोटी कहा होगा। ना बोलते बोलते तुम्हारा गला भी सूख गया होगा। So, ये लो, पानी पी लो। What, क्या आपने बोला ना बी ऑनेस्ट, जो दिल में बोल दे। तेरे दिल में ये था? हाँ, I can't believe this। तू जैसे प्लेबॉय को हम लड़कियों के मामले में एडवाइस दे रहे, but you know what, there's a ground rule, किसी भी लड़की को मोटी नहीं कह सकते। और अगर उसने सवाल भी पूछ लिया कि क्या मैं मोटी हूं, तो पॉज भी नहीं ले सकते, और बिना पॉज लिए कहना पड़ता है कि of course not, baby, no। ये तो मुझे भी पता है, मैं ओके ऑनेस्टी के चक्कर में मारा गया हूं। भैया वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, ये जो आप वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन बोलते हो, ये स्पेशल इफेक्ट के लिए होता है या बिलीव करते हो? हे रुद्र, ओबेरॉय ब्रदर्स की कोई बात ऐसी नहीं होती, राइट? वी आर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ओके? फिर आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्या क्या? एक मिनट, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। जब से लड़की मेरी जिंदगी में आई है, फ्लड आ गया है, अनेका। फिर से नाम लिया। व्हाट रबिश। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें डोंट यू। आपको पानी से इतना डर क्यों लगने लग गया? लिसन, आई डोंट वांट टॉक टू यू, ओके? और तुम मेरे मेरे रूम में क्या कर रही हो? पिंकी आंटी ने आपको बुलाया है, मैं बस बुलाने आई थी। बिल्लू बिल्लू रहो, भीगी बिल्ली मत बन के रहो। क्या कहा तुमने? इधर देखो, बात करो मुझसे। अभी आपने कहा कि आपको मुझसे बात नहीं करनी, अब आप कह रहे हो कि बात करो मुझसे। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, कितना कंफ्यूजन किस बात का है? किस बात का कंफ्यूजन है जी? आपके
के ससुराल वाले आए हैं। कपड़े बदल लीजिए वरना चौंक हो जाएगी। क्या चौंक?